saliendo. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो होप है आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो अपने रूम से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको कुछ अपने रूम का व्यू भी दिखाऊंगा। आपको पता है जा रहे हैं शादी में, जा रहे हैं शाहपुर वाली तरफ। तो शादी के घर वाली वीडियो तो बना नहीं सकता मैं, वहाँ दिखाऊंगा नहीं कुछ एक्चुअली है, तो वहाँ की वीडियो दिखाऊंगा नहीं आपको मैं। लेकिन जो रास्ते में देखूंगा, खुद भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। चलते हैं फिर दोस्तों सीधा गाड़ी में। गाड़ी एक्चुअली छोटा भाई को बोल दिया मैंने लेके आने के लिए, मैं मार्केट में बैठूंगा। एक्चुअली मैंने कुछ सामान लेना है मार्केट से, तो वो लेके मैंने अपनी गाड़ी की तरफ आपको दिखाता हूँ मैं। और आज मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ जा रही है, छोटा भाई जा रहा है शादी में, और मेरी बेटी जा रही है, मम्मा घर पर रहेंगे। तो हमने आ जाना है जल्दी वहाँ से। एक्चुअली वहाँ का ना व्यू काफी सुंदर है, आपको दिखाऊंगा जरूर, उसको जरूर इंजॉय करना, क्योंकि वो धर्मशाला के नजदीक है, रिल्लू जगह है। तो वहाँ का ना व्यू काफी अच्छा है, वहाँ पर आप देखना, आपको दिखाऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, कमेंट करके जरूर बताना कि व्यू कैसा लगा। तो मिलते हैं सीधा आगे। अभी जब वो तेल भरवा रहे हम लोग, ये रही मेरी बेटी मायरा। मायरा आगे ना एक्सीडेंट हो गया है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो है ना, मेरे को एक्चुअली बाद में पता चला कि जो टांग टूट गई, जो लेडीज थी नीचे पड़े हुए, जो बंदा आगे पड़ा था ना उसकी गलती थी सारी। और ये देखिए इसकी हालत, मैम का शूज यहाँ फंसा हुआ, यहाँ पे टांग आगे टूटी हुई है। आगे आपको पूरा बताता हूँ। दोस्तों आपने जो भी वीडियो देखी, क्लिप देखी, उसमें जो है ना जो लेडीज थी ना, एक्चुअली दिखा नहीं पाया ना, मैं वीडियो बना सका और ना ही मेरा फर्ज बनता था वीडियो बनाने का। पहले मेरा फर्ज था कि मैं उनको उठा के, और वो किया भी मैंने, हॉस्पिटल पहुँचाया उनको। उसके बाद सुन तो हॉस्पिटल में आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट है नहीं, उन्होंने उनको पट्टी वगैरह करके, और उनको वो तो खुद टांडा के लिए रेफर किया था हॉस्पिटल वालों ने, बट वो खुद ना अमनदीप हॉस्पिटल चले गए हैं। मेरी उनसे कंटिन्यू बात हो रही है मैम की। एक्चुअली उसी टाइम ही जो मैम थे, उनकी जो वो राइट टांग जो है, लेग जो है वो टूट चुकी है, घुटना जो होता है वो बाहर आ चुका था। तो प्रे करना उनके लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे मेरी उनसे बात हो रही है, उनको अभी ऑपरेट वगैरह के लिए ले गए हैं शायद। और मतलब दोस्तों एक बात बताऊँ, देखो अगर आप ड्रिंक करते हो ना, मैं तो क्लियर बात करता हूँ, अगर आप ड्रिंक करते हो तो अपनी बाइक गाड़ी जो भी व्हीकल है उसको साइड लगा दो, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी का नुकसान हो रहा, अब देखो उनकी जो है वो लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, टोटल ख़त्म होगी उनकी लाइफ। क्योंकि मैं जिस तरीके से, मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से उनकी टांग टोटल ही जो हड्डी होती है बाहर आ गई थी, टूट चुकी है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अब चलो मालिक है कि ठीक हो जाए वो, तो मैं तो उनसे ज़रूर जाऊंगा जब भी वो डलोजी से है वो, तो जब भी वो होंगे आएंगे वापस, तो मैं उनके साथ जरूर घर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए जब भी वापस घर आ जाएंगे। दोस्तों सेफ चलें, खुद भी और ड्राइव करनी है ना दोस्तों, तो आराम से चलें। 10 मिनट लेट पहुंच जाए ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहुंच जाए अपने परिवार के साथ। अब दूसरा बंदा तो भाग गया था, अब क्या बोल रहा हूँ उनको। और बस एक ही मैं यही बोलना चाहूँगा आखिर में कि सेफ ड्राइव करें, और ड्रिंक करके तो ड्राइव कभी ना करें, साइड में लगा दें, कहीं लेट जाएं, कहीं रिश्तेदारी में चलें, कहीं पे भी, लेकिन साइड हो जाएं, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को नुकसान होता है वो सही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। वैसे तो मेरा आज मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता था आपको, तो बता दिए। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।